और क्या चाहिए यार 8 लाख में, मुझे बताओ। पूरी कायनात इस गाड़ी को लेने के लिए मजबूर करी तो मैंने ले ली। अपने शादी के डब्बा बांटने गया था मैं अमृतसर की गलियों में। अच्छा। अमृतसर की गलियां बहुत कंजेस्टेड मानी जाती है, अगर आप पुराने अमृतसर में जाओ ना, मतलब नहीं बेचनी। मेरी फर्स्ट गाड़ी है मेरे खुद के पैसों से, कभी नहीं, बहुत प्यार है मेरे को इस गाड़ी से। मेरी मम्मी को इनोवा में झटो इसमें आराम से बहुत खड्डों में गई है गाड़ी। हमें तो पंजाबी है, बेस तो चाहिए। मेरी मम्मी को पसंद है तो सब घर वालों को पसंद है, पहला मम्मी हेड ऑफ द फैमिली, तो हमारी टर्बन टकराने का डर नहीं रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभी पंजाब में जलंधर शहर के अंदर, और आज एक बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी है हमारे पास। अगर आपका बजट 8 या 8.5 लाख का है, वो गाड़ी काफी फिट बैठती है और उसको अगर आप लोगे तो आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। आज की स्टोरी जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आज के ओनर हैं वो 8 लाख का बजट लेके मार्केट में निकले थे। उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ियां भी देखी काफ़ी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने नई गाड़ियां भी देखी, जैसी आपकी जो मैग्नाइट आ रही है, काइगर आ रही है नॉन टर्बो, उनको समझ में नहीं आई। और फिर उन्होंने ली बाद में, ये है आपकी आगे टाटा पंच, और ओनर है प्रियदीप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू रवि जी। और यहाँ पर काफ़ी ठंड करवा रखी है आपने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि सेकंड हैंड गाड़ियां आप देख रहे थे इस बजट के अंदर। जी। आपने कौन कौन सी गाड़ियां देखी है, बताइए। पहले तो मैं ब्रेजा, हाँ। घर वालों की पसंद, पापा की पसंद ब्रेजा। देखो मारुति सुजुकी ब्रेजा मैंने देखी LXI। अच्छा। सर्टिफाइड कार्स में गया था, क्योंकि उसका मॉडल भी 9 लाख तक जाता है, 9 साढ़े 9। तो LXI देखी, जब मैं बैठा अंदर मेरे को समझ नहीं आई, बिल्कुल एम्प्टी है वो, कुछ भी इंटीरियर है ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आई। तो हम बाहर आ गए, ऐसे बैठे बाहर आ गए। अच्छा। क्योंकि हमने पंच पहले ही देख रखी थी, तो हमने देखा कि बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने चाहिए। ब्रेजा हमें समझ नहीं है, हम स्टीयरिंग देखा, वो स्टीरियो देखा, बाहर आ गए, कुछ नहीं है वो। अच्छा। तो ब्रेजा नहीं समझ आई। फिर हमने i20 में गए। i20 में हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मम्मी को दिक्कत है, वो एक बार बैठ जाए बाहर नहीं आ सकते। उनको चाहिए था एसयूवी टाइप, थोड़ी उठी हो, आराम से इनग्रेस आउटग्रेस ईजी होना चाहिए। इस बात में i20 और ब्रेजा और वेन्यू की पिछली सीट्स मजेदार ही नहीं है, छोटी सी सीट्स हैं। हमारे सिखों का टर्बन का रहता है ना, तो इस गाड़ी में ना एक तो 90 डिग्री डोर्स खुलते हैं, एक ऊपर से ना इनग्रेस आउटग्रेस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बॉक्सी स्टाइल है, तो हमारी टर्बन टकराने का डर नहीं रहता है। अच्छा। जैसे पापा को भी थोड़ा नीचे होना पड़ता है, बट वो आराम से अंदर बैठ भी जाते, उठ भी जाती है। बॉक्सी स्टाइल होने के कारण हमारी टर्बन टकराती नहीं है, बाकी गाड़ियों के कंपैरेटिव ये अच्छी है, मतलब आराम से अंदर बाहर आ सकते हो, स्पेशली फॉर 6 ऑल्सो। ये जो पर्सपेक्टिव था यही दे सकते थे, ठीक है, और ये हमें पता ही नहीं चलता कभी। जब ये एक बार देख ली तो हमें कोई और गाड़ी पसंद नहीं आई। अच्छा, सेकंड हैंड की बात अभी हमारी चल रही है, लेकिन आपने न्यू कार्स भी देखी थी, उसमें कौन कौन सी आपने रिजेक्ट करी थी देख के? पहले तो हम देखने गए रेनॉल्ट काइगर, फिर एक ऑल्ट्रोज भी देखी है, काइगर देखी है, मैग्नाइट देखी है, एक रेनॉल्ट की एक और आती है उसी बजट में जो 7 सीटर है। काइगर में था अंडर पावर बहुत है, 5 जाने बिठाए, उसमें सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इससे, मतलब खुली खुली लगती है वो। बट जब मैंने चलाई, उसके शॉकर्स अच्छे हैं, सब अच्छा है, बट पावर नहीं है गाड़ी में। अच्छा। वो चलाओ तो ऐसा लगता है, मैंने कहा हाईवे में चलाऊंगा तो मैं सबसे पीछे ही रहूंगा, कुछ चलाएंगे नहीं, पावर की कमी बहुत लगी उसमें। और मैग्नाइट गया, टर्बो भी देखी, नॉन टर्बो भी देखी। एक तो मैग्नाइट का जो रवैया है उनके, वो निसान वाले यहाँ जलंधर वालों को, मेरे को पसंद नहीं आया। अच्छा। डील ही नहीं किया। अच्छा, ये ऑप्शन है, ये ले लो, ये खड़ी है, लेनी है बताइए, नहीं तो नहीं। मैग्नाइट की उन्होंने, मैंने कहा नॉन टर्बो देखनी है, उन्होंने टर्बो की टेस्ट ड्राइव दिलाई, कह रहे बस यहीं से मोड़ लो, 1 किलोमीटर दिलाई, कह रहे यहीं से मोड़ ले जाओ। इनकी एजेंसी का जो डील कर रहा था हमें पंच का, वो भी बहुत पसंद था, और फीचर्स और फिर इन्होंने अच्छी तरह दिलवाई टेस्ट ड्राइव बिल्कुल 2 बार। एक बार मैं करने गया, एक मैं पापा को भी लेके गया। अच्छा। पापा एक दिन थके हुए थे, कह रहे मैं आज नहीं करूंगा, फिर मैं दोबारा लेके गया कि आप टेस्ट ड्राइव करो, बताओ कैसी है। ऑटोमेटिक की भी की, मैनुअल की भी की। अच्छा। तो पापा को कहा हाँ ये ठीक है, पता नहीं लग रहा है, 80-90 तक जा रही, ठीक चल रही है, यही ले ले। तब तक आप बताओ सेफ्टी रेटिंग में नहीं आई थी इसकी, नहीं आई थी। हाँ। अच्छा। नेक्सॉन के पोस्टर लगे हुए थे, आप ये करो, टाटा के जो शोरूम में नेक्सॉन के पोस्टर लगे, 5 स्टार सेफेस्ट कार, तो पंच ले ली। और एक तो इसकी वेटिंग नहीं थी, कलर भी मनपसंद खड़ा था, फीचर्स भी मनपसंद थे। अच्छा। मतलब सब सेट बैठा इसमें, बजट भी सब। आपका वेरिएंट कौन सा है, कितने का पड़ा था? ये है एकम्प्लिश्ड, और मेरे को पड़ा था 8,37,000 का ऑन रोड। और ये बताइए कि लेने के बाद जैसा आपने सोचा था वैसी परफॉर्मेंस वगैरह, मतलब आपको, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड। 2 चीजें, एक क्रूज कंट्रोल और इसका एवरेज, क्योंकि मेरे को जब जाना है तो सीधा 200 से 300 किलोमीटर अप डाउन पड़ता है मेरे को अमृतसर से एयरपोर्ट तक, तो उसके हिसाब से एवरेज 1000 रुपए में मेरा अप डाउन हो जाता है। अच्छा। और जाना भी कभी कभी है, मैं CNG गाड़ी भी नहीं ले सकता, CNG का भी रेट देख ही रहे हो आप कितना ऊपर चले गए, तो कोई फायदा नहीं है। पेट्रोल में अगर 20-21 मेरे को एवरेज दे रही हाईवे पे, तो आप चलाते कितने की स्पीड? 80-90 पे क्रूज, 80-90 पे क्रूज, अगर 70 पे कर लूँ तो 23 तक चल जाती है, 24-23। बहुत बढ़िया एवरेज निकाल के दे रही है आपकी गाड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फैमिली को कंफर्ट कैसा मिल रहा है गाड़ी के अंदर? फैमिली में बहुत बढ़िया, उनको बहुत, मेरी मम्मी को पसंद है तो सब घर वालों को पसंद है। पहला मम्मी हेड ऑफ द फैमिली, एक्चुअली मम्मी को पिछली सीट पे बैठना होता है उनको, वो इतनी सीट ये इतनी चौड़ी है कि वो लेट जाते हैं, उनकी हाइट थोड़ी छोटी है बट वो एक सिराना ले गया तो वो लेट जाते, सो जाते हैं। अच्छा। आप गेस करो हम एक दिन में 600 किलोमीटर अप डाउन किया हमने। अब मम्मी से, मम्मी है 60 अबव है तो उनको मतलब सूट नहीं करता इतनी देर गाड़ी में रहे। हाईवे पे आए वो सो गए थे, इतनी कंफर्टेबल है पिछली सीट। गाड़ी देखने में तो छोटी लगती है लेकिन स्पेस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है गाड़ी का। हम लोगों ने लद्दाख भी किया था, उसमें हम 3 लोग गए थे, कभी कभार 4 लोग भी बैठे थे और सारे लोगों का सामान जो है बूट में रखा हुआ था, तो काफी अच्छा परफॉर्म करा था। उसके बाद तो ये गाड़ी जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट बन गई इस बजट के अंदर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि सिटीज वगैरह में भी चलाते हैं क्या आप? चलाता हूँ, कोई दिक्कत होती है? इसका क्लच बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, मैनुअल गाड़ी है बट क्लच बहुत लाइट होने के कारण कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। अब कल ही मैं गाड़ी लेके आया, बम्पर टू बम्पर हाईवे पूरा जाम, कोई फंक्शन चल रहा था पूरा हाईवे जाम, मैं बिल्कुल भी, मैं एक्चुअली अमृतसर से डाउन करके आया, मतलब वापस आया, बिल्कुल क्लच लाइट है, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती गाड़ी चलाने में ना, क्लच लाइट होने की वजह से। बस प्रियदीप ने हमको ना मैसेज किया था आज से 1 साल पहले, हम इनके पास आ रहे हैं 1 साल बाद। अच्छी चीज़ क्या हुई कि 1 साल में इन्होंने गाड़ी अच्छी खासी चला ली और इतना अच्छा एक्सपीरियंस ये शेयर कर पा रहे हैं गाड़ी का। अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी? बिल्कुल। रीजंस इसकी सेफ्टी, हाईवे पे चलना है, सबसे सेफेस्ट कार, एडल्ट सेफ्टी में वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन दिस बजट, मतलब सेफेस्ट ही आप 10 लाख के बिलो मेरे को नहीं लगता इसके इससे ज्यादा सेफेस्ट कोई कार है। और एकम्प्लिश में क्रूज कंट्रोल, सबसे लोएस्ट बजट में क्रूज कंट्रोल दे रही कंपनी फिटेड, बहुत मक्खन क्रूज कंट्रोल है, मतलब आप 90 पे क्रूज करो 20-21 एवरेज ये देगी। मैंने शो किया है, बहुत बार टेस्ट कर लिया, 11,500 चल गई है और 10-10,500 ये हाईवे पे चली है। अच्छा। टेस्टेड है, बिल्कुल तेल उतना ही डलवाया है, उतने पे सुई आ गई। हाँ। अच्छा। इतनी एवरेज दे रही है। अच्छा लॉन्ग ट्रिप कहाँ की करी है? कभी पहाड़ों की साइड में लेके? नहीं, पहाड़ों की साइड में। अच्छा। ये मैक्सिमम गई है मेरे ख्याल से, एक दिन में मैक्सिमम चली है 650 किलोमीटर, क्योंकि मैं पहले अमृतसर गया, अमृतसर से वापस आया, 2 घंटे सोया, फिर मैं गया चंडीगढ़, फिर अनंतपुर साहिब, फिर वापस, तो आप समझ लो 650 चली है और पूरा दिन मैंने ड्राइव किया है, सुबह 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। मतलब मैं कोई और गाड़ी होती, अगर इनोवा भी होती जो थक जाता, इसमें मैं ठीक था। प्रदीप के घर पे इनोवा भी है। अच्छा आप इनोवा ज्यादा चलाते हैं या इस गाड़ी को चलाते हैं? देखिए मैंने ड्राइव तो ये सबसे ज्यादा कर ली क्योंकि 10-10,500 चला ली, बट जो इनोवा का मजा है वो डीजल है, वो तो ट्रक है, मतलब आप चलाओ तो बस सब साइड होते हैं, बट इसका अपना मजा, उसका अपना मजा। क्रूज कंट्रोल आपका फेवरेट फीचर है इस गाड़ी के अंदर, उसके अलावा कौन कौन से फीचर आपको अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के अंदर? इसका क्लच। अच्छा। क्लच तो सुपर स्मूथ, बहुत लाइट है, अगर कहीं जाम भी लग जाए, लाइक हाईवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है ब्रिजेस की, उसमें जाम लग जाता है, बट क्लच इतना सुपर लाइट है आपको गियर जाने में दिक्कत नहीं है। एक ऑटो ऑफ फीचर हो जाता है, जाम में फंसे हो अपने आप बंद हो जाएगी गाड़ी, अगर आपने क्लच छोड़ा, क्लच दबाओ, हैंडल घुमाओ, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा? गजब, वो तो मैं बताना ही भूल गया, सुपर। देखिए इसका एनवीएच ना अच्छा नहीं है, मतलब आप आइसोलेट नहीं करता अंदर कैबिन में साउंड ना, बट इसका स्टीरियो मैंने मतलब मेरे दोस्त को भी सुनाया, मतलब कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, स्टीरियो इतना गजब है। अच्छा। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से जब हम फैमिली ट्रैवल करते हैं तो कीर्तन चलता रहता है, 5 की वॉल्यूम पे चलता है, तो मम्मी फिर भी बोलती है एक कम करते, बहुत हाई हो रहा है आवाज। अच्छा। और क्वालिटी साउंड की बहुत बढ़िया। अच्छा। हमें तो पंजाबी है, बेस तो चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली। नाइट ड्राइव करी होगी आपने, हेडलाइट का परफॉर्मेंस कैसा है? ठीक ठाक एवरेज। अच्छा। मैंने ये ना, मुझे ये बताइए कि अपग्रेड कराने की तो जरूरत नहीं है बाहर से? मेरे ख्याल से ज़रूरत है, कहीं को अगर ज़्यादा ड्राइव करते हो नाइट ड्राइव तो पड़ सकती है ज़रूरत। मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है बट ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा था इसकी टॉप मॉडल वाली लाइट्स रिप्लेस करा लूँ, बट मैंने कहा नहीं, चल रहा है तो चलने दो। सस्पेंशन कैसे लगे? मैं बताता हूँ, इसका भी एक किस्सा है। हमारे घर की रोड है ना, ये ऐसे जैसे रोड है, तो वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, रोड नहीं बना, इन्होंने बजरी डाल के छोड़ दिया। ये 7-8 महीने उस बजरी पे चली और इनोवा। अच्छा। और ये मेरी मम्मी को इनोवा में झड़ इसमें आराम से बहुत खड्डों में गई है गाड़ी, हाईवे पे पता नहीं लगता आप, क्योंकि 90 पे क्रूज करो, एक खड्डा आ गया कुछ नहीं, बहुत स्मूथ गाड़ी, उछलती नहीं है। हाईवे पे जब ज्वाइंट होते हैं, जो ब्रिजेस के ज्वाइंट होते हैं, हाँ, तो उसपे भी मेरी मम्मी पीछे बैठे होते, उछलते नहीं है वो, ठेकते। हाँ ये ठीक है, ये झटके कम दे रही गाड़ी। अच्छा। मेरी मम्मी झटके, मम्मी को झटके कम लग रहा है तो बस गाड़ी के पैसे पूरे। सही बात है जी। अच्छा एक बात बताइए, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, गाड़ी की हाइट ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है मेरे पास। 110 पे क्रूज कर रहा था क्योंकि मेरे को वापस जल्दी आना था, मेरे इन लॉस के गया था, मैं पापा और मम्मी बैठे थे, 110 पे क्रूज किया हाईवे पे, बहुत बढ़िया चलती है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है बिल्कुल भी। आप ये तो बोल रहे हैं कि 5 स्टार लेके आइए, वो तो अच्छी बात है जी। गाड़ी की ओवरऑल बाहर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत गाड़ी। और एक आगे आपको पता नहीं लग रहा था यहाँ पे कहीं पे उस साइड या इस साइड स्क्रैच है। अच्छा। मैं गाड़ी अंदर कर रहा था, मैंने कहा बहुत जगह है, बहुत जगह है, वो गाड़ी सीधा खंबे पे वो जो होता है हमारा पिलर बना हुआ है उस पर ठुकी, इतना सा निशान आया बस। बहुत मजबूत गाड़ी, मतलब आपने टेस्ट कर लिया? कर ली है जी। बहुत करी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, ऐसे दबती नहीं है। दूसरी गाड़ियां दब जाती, मेरी इनोवा भी दब जाती है, बट उसका दरवाजा आप मारो ऐसे छोड़ दो उसका हल्का लगता है। और ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब आप ऐसा खोल के बंद करते हो गाड़ी। पहले इनोवा भी बहुत मजबूत लगती कि हैवी है डोर इसका, बट जब इसका बंद करना शुरू किया उसका हल्का लगना शुरू हो गया। और आप सोचो ब्रेजा का ये वो, तो मतलब कोई भी गाड़ी जैसे हमने देखी है, बट इसकी सबसे बढ़िया लगी, बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, पंजाब की गाड़ी है लेकिन इसमें अलॉयज नहीं लगे हुए हैं, ऐसा कि चौड़े टायर और अलॉयज एक्सेप्शंस होती है। मतलब आप स्टॉक रखना पसंद करते हैं गाड़ी को। तो चलिए अब इस गाड़ी को चलाते हुए बात करते हैं, इतनी तारीफें तो इनसे हमने सुन ली, और देखते हैं कि कैसी चल रही है गाड़ी और स्पेस कैसा मिलता है। अपने पीछे मैं इनको बैठाऊंगा, आइए। तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, स्पेस दिखाते हैं सबसे पहले। मेरी हाइट है 6 फीट 4 इंच, कुछ ज्यादा ही, आपकी बता दो। 5'6" है मेरी, 5'6", और स्पेस भी दिखा दो। अब इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है 4 लोगों के लिए, काफी अच्छा स्पेस है। पीछे भी आप देख सकते हैं 4 लोग बड़े आराम से बैठे हैं, और बीच में एक छोटा बच्चा तो फिलहाल बैठ ही सकता है। तो इसको चलाते हुए बात करते हैं। अब गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हो ना, आपकी जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग रहती है, काफ़ी हाई रहती है, और बोनट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता है कि कोई एसयूवी चला रहे हैं हम। एसयूवीस गाड़ी है, प्रॉपर एसयूवी नहीं है लेकिन एसयूवी वाला फील पूरा आता है। 4 लोग होने के बावजूद भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी फील नहीं होती चलाने के बाद। जैसी ये एक बंदे के साथ चलती है वैसे ही 4 से 5 बंदे के साथ भी चलेगी, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने इसमें लद्दाख किया है तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं इस बारे में। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ठीक ठाक आप कह सकते हैं इस बजट की गाड़ियों के हिसाब से। मार्केट में और भी गाड़ियां आ रही है सब 4 मीटर में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कितना लंबा रखने का प्लान है आपका इस गाड़ी को? जब तक रख सकूं। अच्छा, मतलब नहीं बेचनी, मेरी फर्स्ट गाड़ी है, मेरे खुद के पैसों से, कभी नहीं। बहुत प्यार है मेरे को इस गाड़ी से, फर्स्ट गाड़ी से तो प्यार हर किसी को होता है, चाहे कोई भी हो, कैसी भी गाड़ी क्यों ना हो। लेकिन एक चीज मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये गाड़ी काफी स्मूथ चल रही है। सर्विस सेंटर की तरफ आना जाना हुआ अभी तक? जी, बहुत बार हो गया। अच्छा, तो कैसा है उनका वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा है एक्सपीरियंस? मैं कहूँगा ठीक ठाक है। मुझे एक बात बताइए, गाड़ी का साइज कॉम्पैक्ट है जी। अगर आप छोटी मोटी गलियों में चलाते हैं, मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत नहीं? मैंने एक बार चलाई भी है, मतलब अपने शादी के डब्बा बांटने गया था मैं अमृतसर की गलियों में। अच्छा। अमृतसर की गलियां बहुत कंजेस्टेड मानी जाती है, अगर आप पुराने अमृतसर में जाओ ना तो बिल्कुल आराम से मैन्यूवर हुई है। लाइक छोटी गाड़ी जैसे जाती है वहाँ से गलियाँ से निकलना, स्पीड ब्रेकर्स, हम्प वगैरह बहुत आराम से मैन्यूवर हो। इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बहुत आराम से मुड़ जाती है ये गाड़ी। जिस प्राइस में आपने गाड़ी ली है उस हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी लगी गाड़ी की? बहुत अच्छी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है इसकी परफॉर्मेंस। मतलब मेरे को जितनी पिकअप चाहिए गाड़ी से और जितनी स्टेबिलिटी, स्पीड मेरे लिए इनफ है। मतलब मैं अकेला जाना होता है तो मैं ज्यादा हाई स्पीड पे चलाता नहीं, क्योंकि घर वालों को चिंता होती है कि नहीं ज्यादा स्पीड पे नहीं जाना ये वो। तो बिल्कुल अच्छी है परफॉर्मेंस भी, जैसे मेरे को इतनी अच्छी नहीं, 3rd गियर में थोड़ा लैग है बट ठीक है, एडिक्वेट है। कोई ज्यादा मेरे को हाईवे पे खींचनी नहीं होती है कि बस भाई सबसे आगे ही निकलना है मेरे को। ठीक है, क्रूज करना है, जब आगे निकलना है 80-90 पे तो निकल भी जाती है जब जरूरत होती है ज्यादा। छोटे गियर करो और आप कर सकते हो, किसी को ओवरटेक करना है तो कर लेती है। आपने जैसे कि बताया कि आपने गाड़ी हाईवे में ज्यादातर चलाई है, थोड़ा बहुत सिटी में भी चलाई है। हाईवे में आप 20-22 का बता रहे हैं एवरेज निकाल कर दे देती है, तो सिटी में आपको क्या लगता है कि कितना दे देगी? 13-14 तो दे देनी चाहिए, मैंने बहुत कम चलाई है तो मेरे ख्याल से 13-14 दे देनी चाहिए इसको। और सिटी में जैसे आप थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हो, अगर बम्पर टू बम्पर चल रहे हो तो उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, कोई गाड़ी नहीं दे सकती। मतलब बम्पर टू बम्पर क्या कहो, रुक रुक के चल रहे हो, पूरा जाम हो गया है, 13-14 इन सिटी दे देनी चाहिए। देखो ट्रैफिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टॉप गो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर एवरेज कम आएगा कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो आपकी, क्योंकि चल नहीं रही है वहाँ पर, मैक्सिमम टाइम जो है आइडलिंग रहती है वहाँ पर। एक होता है कि स्लो स्पीड में मूव कर रहा है 30-40 की या फिर 20 की स्पीड में, प्रॉपर गियर हो आपका तो अच्छा एवरेज निकाले। और एक हाईवे की अलग बात है, उसमें एक कांस्टेंट स्पीड में आपकी गाड़ी चलती है, तो डिपेंड करता है कि गाड़ी कहाँ पर ज्यादा चल रही है। अभी हम सिटी में चल रहे हैं तो अभी ये 13.8 का दिखा रही है MID में, और ये बढ़ता भी जा रहा है। तो एवरेज निकालने को काफ़ी अच्छा निकाल देगा। देखो गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी हो गई है, इसमें स्पेस भी मिल रहा है, इसमें अच्छे खासे फीचर्स भी मिल रहे हैं और साथ के साथ इसका रनिंग कॉस्ट भी काफी कम है। और ये गाड़ी 5 स्टार है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या चाहिए यार 8 लाख में, मुझे बताओ। मतलब फर्स्ट बैच की गाड़ी, मनपसंद कलर, मनपसंद मॉडल, कोई बुकिंग नहीं, हैंड टू हैंड मिल गई, कोई वेटिंग नहीं। पूरी कायनात इस गाड़ी को लेने के लिए मजबूर करी तो मैंने ले ली। एज अ फर्स्ट टाइम बायर टाटा का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा आपको? देखिए, जब ये गाड़ी अपने शोरूम से बेचते हैं वो तो 5/5 जितनी रेटिंग है उतनी उसकी सेलिंग की है। सर्विस सेंटर का ना, जैसे मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को कम नॉलेज है ये वो, तो उसके लिए थोड़ा आपको ना देख के केयरफुल रहना पड़ेगा। जब सर्विस सेंटर में जाते हो थोड़ा आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा परसिस्टेंट होना पड़ेगा उनके पीछे कि ये कर दो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट सेलिंग का शोरूम एक्सपीरियंस इज 5 स्टार। सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, अभी सेटिस्फैक्ट्री है। देखो जो पंच है ना, उसका लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जैसे हम 5th गियर में चल रहे हैं, 50 to 60 चल रहे हैं, कह सकते हैं कि इन गियर एक्सेलरेशन ठीक ठाक है, अच्छा है, जिससे कि ये बड़े गियर में भी स्लो स्पीड में आसानी से चल सकती है। आपको ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में। और सस्पेंशन ज़बरदस्त, एसी भी ज़बरदस्त। अच्छा, एसी भी काफी अच्छा लगा। गर्मियों में मैंने बहुत चलाई, जून जुलाई में मेरा हाईवे रनिंग होती है और मम्मी पापा को बैठना, तो एक पे चलता है। अच्छा। तो मेरे को कूलिंग, मतलब कूलिंग का टेम्परेचर है जो ब्लू वाले मार्क है वो कम करने पड़ते हैं, ये ठंड लग रही है पीछे। और हीटर में भी आप एक पे चला रहे हो अभी भी, और बस घुटन सी होने लगी, या तो जैकेट उतार दें या फिर शीशे खोलने थोड़े थोड़े से। मतलब एक किस्सा है कि मेरे मामा मामी, सबसे छोटे मामा मामी हैं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठे, मैंने उनको दिखाई मैंने नई गाड़ी ली है, तो उन्होंने कहा हमें भी ऐसे। उनके पास थी एटियोस लिवा जो विदाउट जो आता है, डिग्गी की विदाउट आती है, तो उन्होंने कहा हमें भी ऐसी गाड़ी चाहिए, थोड़ी ऊंची ऊंची गाड़ी और थोड़ी खुली खुली गाड़ी है। तो उन्होंने गए तो उन्होंने ली अर्बन क्रूजर ली गाड़ी, तो मैं कंपेयर कर रहा था क्योंकि मेरी भी नई गाड़ी है, उन्होंने भी नई गाड़ी ली है। उनकी गाड़ी थी अराउंड 10.5-11 की, क्योंकि वो बेस मॉडल नहीं देते, वो VXI के कंपैरेटिव उनका बेस मॉडल होता है। मतलब मेरे को लगा कि उनकी गाड़ी भी अच्छी चल रही है, सब अच्छा है, तो बट मेरी गाड़ी मेरे को ना कंपैरेटिव 2 लाख देने से बेटर है कि मैं ये गाड़ी ले ली। स्पेसिंग भी ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं, क्योंकि मैंने मम्मी को साथ में बिठाया हुआ था। अच्छा। मम्मी देखो आपको कैसा लग रहा है, उठने बैठने में इजी है, तो कह रहे नहीं इसका डोर पूरा खुलता नहीं, इसका 90 डिग्री खुलता है, उसका प्रॉपर पूरा नहीं खुलता। सही बात। मतलब सिटिंग कैपेसिटी एंड ऑल, मतलब ज्यादा बेटर लगी हमें उससे। तो दोस्तों ये है टाटा पंच का ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रियदीप का, और काफी खुश है गाड़ी से। जैसा कि इन्होंने बताया, सारी चीज इन्होंने खुल के बताई है। गाड़ी वाकई में काफ़ी अच्छी है। अगर आपका बजट इतना है तो 8 से 8.5 लाख का, 10 लाख में भी आपको पंच मिल जाएगी। ऐसी गाड़ी शायद ना ही हो जिसमें आपको सेफ्टी भी मिलती है, जिसमें अच्छा एवरेज भी मिले, जिसमें अच्छा स्पेस भी मिले और अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिले और साथ के साथ फीचर भी मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू आपका भी जी।